हेलो एवरीवन, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं अप्रैल 2022 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ रेसिडेंसी स्पोर्ट्स क्लब रायपुर फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। एक रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31st December 2019 का रायपुर का रेसिडेंसी क्लब का, स्पोर्ट्स क्लब का। रिसिप्ट के कंटेंट्स में यहाँ पर जो कंटेंट दिए हुए हैं रिसिप्ट में, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, कैश और बैंक बैलेंस दिया है, ये ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस है। एंट्रेंस फीस है, मेंबरशिप फीस है, सब्सक्रिप्शन है, मिसलेनियस रिसिप्ट है, लॉकर रेंट है, नॉन मेंबर फीस है और सोशल इवेंट रिसिप्ट है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी इनकम्स जो है, ये रिसिप्ट जो है बेसिकली इनकम्स है, और ये जो पेमेंट्स है ये एक्सपेंसेस है। आगे चलकर वो कहेगा कि एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो जब हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो बाइफर्केशन हमको करना होता है वो कैपिटल और रेवेन्यू में बाइफर्केट करना होता है। जो कैपिटल नेचर के हैं, लॉन्ग पीरियड के हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के जो कंटेंट्स है, इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वो हम बैलेंस शीट में कंटेन करते हैं, और जो रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार होने वाले इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंटेन करते हैं। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पर अभी दिया हुआ है, तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में बहुत सारी रिसिप्ट जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। सो यहाँ पर रिसिप्ट में आगे चलकर वो बताएगा इसमें से कौन कौन से रिसिप्ट को कैपिटल मानना, कौन कौन से रिसिप्ट को रेवेन्यू ट्रीट करना, ये चीज है। पेमेंट्स में रेंट एंड रेट्स है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग है, सैलरी है, रिपेयर्स टू फर्नीचर है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड अदर एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, सोशल इवेंट एक्सपेंसेस है और बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन में यहाँ पर क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पर कंटेन किया हुआ है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹3000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। अभी यहाँ पर जो ईयर उसने दिया हुआ है वो 31st December 2019 दिया हुआ है, तो हमारा जो करंट ईयर है वो ईयर 2019 है, विच स्टार्ट ऑन 1st January 2019 एंड एंड्स ऑन 31st December 2019। तो ये एक सबसे मेन चीज यहाँ पर पीरियड हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम एंड इनकम आउटस्टैंडिंग ₹3000 ये दी हुई है फर्स्ट एडजस्टमेंट। वेर एज कुछ इनकम के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट इन फुल। तो एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानो, यानी ये बैलेंस शीट का पार्ट होगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा। और कहा है इन फुल, तो अभी ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा एंट्रेंस फीस एंड मेंबरशिप फीस। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019। यहाँ पर उसने सिर्फ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, सो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, सिर्फ एक इनकम एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैंने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है एज ऑन 31st December 2019 का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंसेस कंटेन करेगा, इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस कंटेन करेगा और इनकम्स कंटेन करेगा। तो ये जो एक्सपेंसेस है, यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बट सबसे पहले यहाँ पर जो एडजस्टमेंट्स उसने दी हुई है, उन एडजस्टमेंट से यहाँ पर हम सबसे पहले ये एडजस्टमेंट को ट्रीट कर लेते हैं, जिसमें पहला एडजस्टमेंट उसने दिया है सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹3000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ₹16800 का, ये सब्सक्रिप्शन हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन उसने ये कैश कम्स इन बताया है, हमको इसको इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये 16,800 रुपीज़ का ये इनकम हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, 16,800 रुपीज़। तो ये सब्सक्रिप्शन का 16,800 रुपीज़ इनकम का हमने रिकॉर्ड किया। वेर इज उसका कहना है कि आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 3000 रुपये का। तो 3000 का आउटस्टैंडिंग, इट इज इनकम ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर इनकम है, दैट्स व्हाई ये इनकम में ऐड होगा। तो ये ऐड रिसीवेबल फॉर 2019 ₹3000। इस तरह से 16,800 प्लस 3,000 टोटल इनकम विल बी 19,800। इस तरह से ये इनकम रिकॉर्ड की 19,800 रुपीज़ की। तो ये 19,800 रुपीज़ टोटल इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड की। तो सब्सक्रिप्शन की ये जो पहली एडजस्टमेंट है ये रिकॉर्ड की, इनकम में ऐड किया
और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकम में ऐड किया सब्सक्रिप्शन, इस तरह से ये फर्स्ट एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की। सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस को कैपिटल ट्रीट करो, मीन्स उसको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना है, बस अब हमको स्टार्टिंग से ये अलोकेशंस रिकॉर्ड करने हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक बैलेंस, ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस है, जो अभी अगर हम तो अभी बैलेंस शीट ऐसे भी प्रिपेयर नहीं कर रहे तो अभी के बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले साल का लास्ट ईयर का ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है। एंट्रेंस फीस के बारे में उसने कहा है कि इसको कैपिटल ट्रीट करो, तो ये एंट्रेंस फीस तो हम यहाँ पर अभी रिकॉर्ड नहीं करने वाले इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक तो एंट्रेंस फीस और दूसरा मेंबरशिप फीस, ये दोनों एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस ये दोनों कैपिटल ट्रीट करना है, दैट्स व्हाई ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसके बाद की जितनी भी इनकम्स है ये हम रिकॉर्ड करेंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट इज एन इनकम, तो ये मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट तो ये मिसलेनियस रिसिप्ट का 500 रुपीज इनकम रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट इनकम है मिसलेनियस रिसिप्ट के बाद लॉकर रेंट 4600, तो ये लॉकर रेंट रिकॉर्ड किया 4600 रुपीज। उसके बाद नॉन मेंबरशिप फीस है 2000 का, ये नॉन मेंबरशिप फीस रिकॉर्ड की 2000 रुपीज की। उसके बाद सोशल इवेंट रिसिप्ट है 1350 का, 1350 रुपीज का, तो ये सोशल इवेंट जो है ये, हाँ अब यहाँ पर एक बात जो सोशल इवेंट रिसिप्ट के बारे में आपको याद रखनी है कि 1350 रुपीज का ये सोशल इवेंट रिसिप्ट दिया है, साथ में पेमेंट में यहाँ पर सोशल इवेंट एक्सपेंसेस दिए हुए 200 रुपए के, तो हम इसको कंबाइन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस। इस तरह से ये सोशल इवेंट रिसिप्ट को सिर्फ इनकम को इनकम में और एक्सपेंस को एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट इसको कंबाइन कर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोशल इवेंट रिसिप्ट में 1350 रुपए का ये सोशल इवेंट रिसिप्ट हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो सरप्लस हमको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट ऑन सोशल इवेंट जिसमें रिसिप्ट है 1350 की, पेमेंट्स इसमें से एक्सपेंस लेस किए 200 रुपए का, तो नेट जो है ये सरप्लस इसका बचा हुआ है 1150 रुपए। तो प्रॉफिट ऑन सोशल इवेंट्स भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको सरप्लस फ्रॉम सोशल इवेंट्स भी कह सकते हो। और ये कैसे फाइंड आउट किया, रिसिप्ट में से एक्सपेंस लेस किया, यहाँ पर रिसिप्ट दी हुई है 1350, एक्सपेंस दिया हुआ है 200, तो रिसिप्ट माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस से ये फाइंड आउट किया 1150 रुपीज का ये सोशल इवेंट का प्रॉफिट ऑन सोशल इवेंट, इस तरह से ये रिकॉर्ड किया। अब इसके बाद ये जो एक्सपेंसेस है इन एक्सपेंसेस को सिर्फ रिकॉर्ड करते जाना है, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में ये रेंट एंड रेट्स रिकॉर्ड किया 4600 रुपीज का। उसके बाद रेंट एंड रेट्स के बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस है 1300 रुपए का, ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए 1300 रुपए के। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस के बाद प्रिंटिंग है 1800 रुपए का, ये प्रिंटिंग रिकॉर्ड किया 1800 रुपीज का। उसके बाद प्रिंटिंग के बाद सैलरी है 9900 रुपए का, ये सब एक्सपेंसेस है, इसको एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस टू से रिकॉर्ड करेंगे और इनकम को बाय से एक अकाउंट है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सैलरी रिकॉर्ड किया 9900 रुपीज का। उसके बाद रिपेयर्स टू फर्नीचर इज एन एक्सपेंस, डेफिनेटली ये एक्सपेंस है, रिपेयर्स टू फर्नीचर रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। उसके बाद ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी है 3600 रुपीज का, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 3600 रुपीज का ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। अदर एक्सपेंसेस 600 रुपीज के, ये अदर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए 600 रुपीज के। नेक्स्ट जो है टेलीफोन चार्जेस है 750 का, ये टेलीफोन चार्जेस रिकॉर्ड किया 750 रुपीज का। उसके बाद इंश्योरेंस है 1000 रुपीज का, ये इंश्योरेंस रिकॉर्ड किया 1000 रुपीज का। इस तरह से ये इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद अब हमको इसकी सिंपल बैलेंसिंग करनी है। तो ये बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल ऑफ इनकम ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये टोटल ऑफ इनकम यहाँ पर हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम की जो टोटल है ये यहाँ पर टोटल कर लेंगे इनकम की, ये टोटल ऑफ इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड की है, टोटल 28050 रुपए की ये टोटल इनकम है, ये इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 28050, टोटल ऑफ इनकम ज्यादा है, और इसमें से लेस करेंगे तो ये सरप्लस बचेगा 3600 रुपए का। तो 28050 28050 में से ये अगर एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो 3600 रुपीज का ये सरप्लस है,
जो यहाँ पर रिकॉर्ड किया, तो उसने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर पूछा था। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किया, जिसमें इनकम्स रिकॉर्ड की, एक्सपेंस रिकॉर्ड की, और डिफरेंस से ये सरप्लस फाइंड आउट किया। तो आई होप आज का ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, जिसमें एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमको प्रिपेयर करना था, तो मैंने यहाँ पर आपको प्रिपेयर कर बताया, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।